हाय गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ब्रांच में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि यदि आप एक यूट्यूबर हैं और आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं, तो जब वीडियो को कोई लाइक करता है और कुछ लोग उस वीडियो को डिसलाइक करते हैं, तो डिसलाइक करने का जो फीचर था YouTube ने खत्म कर दिया है। कितने लोग डिसलाइक करते हैं इस चीज को आप अपने वीडियो में नहीं देख पाते होंगे, लेकिन एक तरीका मैं आज आपको बताऊंगा जिस तरीका से आप यह देख सकते हैं कि आपकी वीडियो को कितने लोगों ने लाइक किया और कितने लोगों ने डिसलाइक किया। लाइक करने का सिस्टम तो YouTube पे दिखाई देता है, पर डिसलाइक किन किन लोगों ने किया है यह आप लोगों को पता नहीं चलता होगा। इससे पहले यह सारी चीजें YouTube पे दिखाई देता था, लेकिन कुछ दिनों से डिसलाइक कितने लोगों ने किया है यह नहीं दिखता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि डिसलाइक आपकी वीडियो पे कितनी आई हुई है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप यह सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी देखना चाहते हैं कि आपकी हर एक वीडियो को डिसलाइक लोग कितना कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से YouTube पर आपने जो वीडियो डाला है उस पर कितने लोगों ने डिसलाइक किया है। आप YouTube पे जाते होंगे तो आपको डिसलाइक का ऑप्शन देखने को अब नहीं मिलता है। डिसलाइक का ऑप्शन होता है, पर कितने लोग डिसलाइक किए हैं यह आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। ऐसे आप लोग अगर YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे। एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों TubeBuddy, देख सकते हैं, यही एप्लीकेशन है जिसका नाम है TubeBuddy। इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर लेना है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो। अगर आप इंस्टॉल किए हैं तब तो बहुत ही आसानी से आप इसको देखने वाले हैं। TubeBuddy एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में आपको उस एप्लीकेशन को करना है ओपन। अब जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले लॉगिन होने के लिए कहेगा, तो आपको उस जीमेल से लॉगिन हो जाना है जिस जीमेल से आपका यूट्यूब चैनल है। तो मैं अपने उस जीमेल से लॉगिन हो गया हूँ। जब हम यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर होंगे वह सब्सक्राइबर आपको ऊपर की ओर दिख जाएगा। हमारे 1,95,000 सब्सक्राइबर हैं, तो 1,95,000 सब्सक्राइबर ऊपर में देखिए दिखाई दे रहा है, और आपको सारी वीडियो की लिस्ट दिखेगी। देख सकते हैं कि पहले वीडियो पर 101 व्यूज हैं, 2 कमेंट हैं, 5 लाइक है और डिसलाइक एक भी नहीं है। लेकिन दूसरे वाली वीडियो पर आप देखेंगे कि यहां पर 1 डिसलाइक है और 6 लाइक है। इस तरीके से देखेंगे कि यहां पर 4 लाइक है, 1 डिसलाइक है। इस तरीके से आपको इस तरीके से स्क्रॉल कर हर वीडियो को आप यहां पर देख सकते हैं। इस वीडियो पे 756 व्यूज हैं, 32 कमेंट हैं, 34 लाइक है और 1 डिसलाइक है। तो आप इस TubeBuddy एप्लीकेशन पर आकर यह देख सकते हैं कि आपकी हर वीडियो पर डिसलाइक कितनी मिल रही है। लेकिन अगर आप YouTube पर जाकर देखेंगे कि डिसलाइक कितना है, तो डिसलाइक काउंट अब YouTube पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस TubeBuddy एप्लीकेशन में आकर अपना जीमेल से लॉगिन हो जाना है, जो भी आपका चैनल का जीमेल है, और आपकी सारी वीडियो की लिस्ट आ जाएगी। जितने लोग डिसलाइक किए होंगे, लाइक किए होंगे, उसकी पूरी लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका था जिसके बारे में हम आपसे कर रहे थे बात। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर जाइएगा, और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।